स्टार्ट। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस बच्चा, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 8 तक कर लिए थे। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना है। अब एन पदों का योग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसे लिख लीजिए। प्रश्न में दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो पदों का योग क्या होता है? एस एन, और एन की जगह में हम 7 लिखेंगे, तो S7 बराबर 49। एक चीज़ हमें यह दे रखी है। दूसरी कह रखी है कि इसके 17 पदों का योग 289 है, तो S17 बराबर हो जाएगा 289। तो हमें कह रखा है कि इसके प्रथम एन पदों का योग क्या होगा, तो इसके प्रथम एन पदों का योग क्या होगा ये हमें पूछ रखा है। ठीक है, तो हमें एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? हमें सबसे पहले इसका प्रथम पद चाहिए, सार्वत्र चाहिए। एन की जगह में हम लोग एन ही रखेंगे, क्योंकि एन पदों का, यहाँ पे एन की जगह में हम लोग एन ही लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए, हमें सार्वत्र चाहिए और हमें प्रथम पद चाहिए, तो इन दोनों की सहायता से हम लोग सार्वांतर ज्ञात करेंगे और प्रथम पद को ज्ञात। देखिए S7 क्या होता है, S यहाँ पे S7 है ना, तो इसका सूत्र लगा देते हैं। Sn का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे S7 हम लोग कर सकते हैं। n के जगह में हम लोग यहाँ 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे Sn होता है, ऐसे Sn n के जगह में 7 लिख रखा है, तो यहाँ पे n का मान दे रखा है 7। लगाएंगे 7/2, ठीक है, n/2, 2a+n-1 d, यहाँ से हम लोग रख रहे हैं, तो n के जगह में 7 लगेंगे, 7/2, 2a का 2a लिखेंगे, प्लस एन के जगह हम कितना रखना है, 7, तो 7 रखेंगे, 7-1 गुने डी, और यह दे रखा है कि 49 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 7/2 इधर है गुना में, इसको यदि उठा के हम इधर लेके जाएं तो होगा बट्टे में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2a+, 7 में से 1 घटाएंगे 6, और गुना करते हैं डी के साथ, तो 6 और डी बराबर 49। जो संख्या ऊपर है उसे नीचे लिखेंगे और जो संख्या नीचे है उसे ऊपर लिख देंगे गुना करके, काट देंगे 37 39। तो यहाँ से होगा 2a+ 6d बराबर 7 × 14। यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग मान लेते हैं कि यह हमारी आई है समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पे हमें ए का भी मान पता नहीं है, डी का भी मान नहीं पता है, तो हम लोग इसे और भी नहीं सॉल्व कर सकते। इसमें हम लोग अब समीकरण यहाँ से उठाएंगे कि इसके 17 पदों का योग 189 दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे S17 = 289। ठीक है, अब यहाँ पे एन का मान लेना है हमें 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/2, 2a, तो 2a लिखेंगे, प्लस n का मान कितना ले रहे हैं, 17, तो 17-1, d का भाई मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे d लिख दीजिए इसे, और यह दे रखा है कि 289 के बराबर है। ठीक है, अब 17/2 इधर लेके जाएंगे, हो जाएगा 2a, प्लस से घटाएंगे तो 16d बराबर 289 17/2, इसी प्रकार होगा। अब इसे काट लेते हैं, 17 को 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 289। तो यहाँ से हमारा आया है 2a+16d = 17×34, यह हमारी आ गई समीकरण 2। अब देखिए, इन दोनों समीकरण की सहायता से, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम लोग ए का मान और डी का मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार? देखिए, यहाँ पे इसका प्रथम पद दे रखा है 2a, इसका भी प्रथम पद आया है 2a, तो यहाँ पे यदि हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को यदि हम घटा दें तो उससे हमारा 2a से 2a कट जाएगा, डी का मान ज्ञात हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1
माइनस समीकरण दो। इस प्रकार लिख दीजिए, समीकरण एक कितना है, 2a प्लस 6d बराबर 14। तो 2a प्लस 6d बराबर 14 समीकरण एक है। समीकरण दो हमारी है 2a प्लस 16d बराबर 34। तो 2a प्लस 16d बराबर 34। अब क्या करना है, जब भी समीकरणों को घटाते हैं तो हम लोग पहले चिन्हों को चेंज करते हैं। इसके आगे है प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे होगा माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह तो होगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो होगा माइनस का चिन्ह। अब घटाते हैं, 2a प्लस का 2a माइनस का कट गया, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10d। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हुआ, 34 में से 14 घटाइए तो 4 में 4 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 16 बड़ा था, तो दोनों के आगे माइनस 10d आएगा, माइनस 20 आएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से d का मान ज्ञात करते हैं, 10 माइनस 10d बराबर आया है माइनस 20। ठीक है, अब जो माइनस का 10 है इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसके साथ यह गुना में है, इधर जाएगी तो होगा पट्टे में, तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर माइनस 20 बट्टे माइनस 10। काट लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 10 × 2 = 20। तो d का मान हमारा आ गया है 2। ठीक है बच्चा, डी का मान हमारा आ गया है 2। अब डी का मान आप लोग समीकरण एक में रख दो या फिर समीकरण दो में रख दो, उससे हमारा ए का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डी का मान समीकरण, आप लोग जो फेयर कॉपी में लिखोगे तो यह चीज़ उसके नीचे लिखना, ठीक है, एक में रखने पर। समीकरण एक दे रखा है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो 2a प्लस 6d बराबर 14, d का मान हमारा आया है 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस 6 × 12, d का मान 2 आया है ना, और 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 बराबर 14, 12 प्लस का है इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का, 2a बराबर 14 माइनस 12, तो 2a बराबर 2, 14 में से 12 गया 2, तो यहाँ से 2 कट गया एक बार में, तो a का मान आएगा 1। ठीक है, ए का मान आया है ए, डी का मान आया है 2। अब हमें पूछ रखा है कि इसके प्रथम एस एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एन के जगह में आप सभी को एन ही लिखना है। डी का मान आया है 2, ए का मान आया है 1 और एन का मान एन रख लिखना है, तो इसके प्रथम एन पदों का योग क्या होगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे एस एन बराबर, सूत्र बताइए क्या होता है, एन बट्टे 2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, यही होता है। एन के जगह में हमें एन ही लिखना है, तो एन बट्टे 2 का एन बट्टे 2 ही लिखिए, 2 2 है यहाँ पे और a का मान आया है 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 और d का मान कितना आया है हमारा, 2 आया है, तो 2 रख देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके बाद यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा तो इसके आगे इधर कर देता हूँ, ठीक ना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, नीचे वाला पार्ट दूसरा है। तो यहाँ से करेंगे n बट्टे 2 का n बट्टे 2, 2 प्लस 2 की गुना करेंगे n से तो कितना होगा, 2n, 2 की 1 किसको गुना करेंगे तो माइनस 2, यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है n बट्टे 2, तो n बट्टे 2 लिखेंगे, अब यहाँ पे ही 2, यहाँ पे भी 2, प्लस माइनस या तो कट गया, ठीक है, कट गया, तो यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे सिर्फ कितना, देखिए यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 2n बचा, तो 2n बट्टे 2 गुने 2n, यह होगा। अब यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए, कितना हो गया n गुने n, और n गुने n कितना होता है n स्क्वायर, वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा वो होगा n स्क्वायर, यानी इसके प्रथम n पदों का योग जो होगा वो होगा n स्क्वायर। कैसे किए एक बार और समझिए, ये तो समझ में आ गया कि इसके 49 पदों का योग जो दे रखा है
सॉरी, इसके 7 पदों का योग देख रखा है, 49, 17 पदों का योग दे रखा है, 289। तो वहाँ से हम लोग समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अब उन समीकरणों को घटा के हम लोग जो है डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान आया है, उसके डी के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, उससे हमारा ए का मान ज्ञात होगा। अब ए का भी मान ज्ञात है, डी का भी मान दे रखा है, और इसका एन के जगह में एन लिखना है, तो हमसे वहाँ से इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करेंगे, जो होगा कि एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक डिस्टर्ब नहीं आ रहा है, यहाँ तक नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं एक यहाँ कर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होगा एन एन बटे दो। देखिए, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ होगा एन बटे दो गुने 2n कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इसका उत्तर होगा। बच्चा, आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्न को नोट कर लियोगे। मैं इस प्रश्न को बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आप सभी नोट भी करते जाओ। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं प्रश्न, करते हैं प्रश्न संख्या 10। अब देखिए, प्रश्न संख्या 10 दे रखा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 से मिलकर से एक AP बनती है, के अनुसार परिभाषित है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो हमें बताना है कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इत्यादि को यदि हम मिला दें, तो एक AP प्राप्त होती है। AP में एक ही चीज़ चाहिए कि हमें सार अंतर समान होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वह एक AP है। देखिए, हम इन प्रश्न को करेंगे, काफ़ी सरल प्रश्न है, वैसे तो लिखने में लग रहा है कैसे करेंगे, लेकिन यह काफ़ी सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10वां का पहला प्रश्न दे रखा है, AN बराबर 3 प्लस 4N दे रखा है। ठीक है, देखिए, हमें पहले दे रखा है कि किसी AP के, किसी कोई भी AP जो A1, A2, A3 इससे मिलकर बनती है। ठीक है, तो हमें A1 हम लोग कब लिख सकते हैं, जब यहाँ पे A1 मतलब क्या है कि इसका एक पद यानी प्रथम पद है, पद को हम लोग N बोलते हैं, तो N बराबर N हो गया, एन बराबर एक हो गया। द्वितीय पद यानी कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो यहाँ पे एन बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तृतीय पद यानी 3 है, तो एन बराबर 3 हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको एन, हम लोगों को एन के जगह यहाँ पे AN या 4N दे रखा है, तो उसके जगह हमें एक लिखना है प्रथम पद के लिए, यानी हम लोग को AP याद करना होगा। तो उसके पहले हमें प्रथम पद चाहिए, द्वितीय पद चाहिए, उसी तरह हम सार अंतर देखेंगे। तो प्रथम पद याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, N को पहले एक मानेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 4 को गुणा कीजिएगा आप लोग 1 से, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 और N हम लोग दे रहे हैं 1 यहाँ से, तो 4 और 3 7 हो गया, इसे ही लिखते हैं। 3 प्लस N ले रहे हैं 2, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ए हम लोग A ले रहे हैं 3, यानी N का पद हमारा जो है वो है 3, तो होगा 3 प्लस 3 चौक 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारी जो यहाँ पे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद आया है, क्या यह एक AP है, देखते हैं। तो दे रखा है प्रथम पद आया है 7 यहाँ से, द्वितीय पद आया है देखिए यहाँ पे A1, A2 और A3 AN से एक AP बनती है। तो प्रथम पद में आया है 7, द्वितीय पद में आया है 11, तृतीय पद में आया है 15। देखते हैं कि क्या यह एक AP है। AP देखने के लिए क्या करेंगे, इसका सार अंतर समान होना चाहिए, यानी यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। A2 कितना है, 11 माइनस 7। A3 कितना है यहाँ पे, 15। A2 है 11, क्योंकि यहाँ पे 7 4 11 4 आया, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 4 बराबर 4 आया, जो इसका सार्व अंतर आया है वो आया है
चार, ठीक है। तो यहाँ यह एक एपी है, हम लोग कह सकते हैं कि A1, A2, A3 से मिलकर एक एपी बनती है। अब यहाँ पे हमें एक और प्रश्न में दे रखा है कि यदि एक एपी बनती है तो उसका योग ज्ञात करना है, कि इसके साथ ही इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी A1 यहाँ पे 7 है, A2 11 है, A3 15 है, तो यहाँ पे 15 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। अब योग के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाते हैं, योग के लिए हमारा सूत्र होता है SN, क्लियर। SN का दो फॉर्मूला होता है, छोटा वाला भी बड़ा, तो हम लोग इसमें आराम से करते हैं बड़े वाले से। बड़ा मतलब बोल सकते हो कि उसका जो विस्तारित रूप है उसमें अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए हम लोग उसमें करते हैं। तो SN बराबर होगा N/2, 2A प्लस N-1 D। एन हमें कितना कह रखा है कि इसके 15 पदों तक, तो एन बराबर 15 होगा, 15/2, 2 ए हमारा कितना आया है यहाँ पे, कितना है बताइए, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस एन कितना है 15, और 15 में से 1 हटा दीजिए। अच्छा यहाँ लिख लीजिए पहले 15-1 D हमें निकाले हैं अभी 4। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप लोग कह रहे हो कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है प्रश्न, काफ़ी सरल है। तो 15/2, 7 दूनी यहाँ पे हो गया 14 प्लस 15 में से गया, तो 14×4 होगा इसे। अब यहाँ से 15/2 का 15/2 लिख दीजिए, 14 का 14 लिखिए, यहाँ पे 14 चौक 56 हो गया, तो प्लस 56 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे करेंगे 15/2×56 और 14, यहाँ पे 6 4 10 के शून्य हाथ में, 1 5 और 1 6 7 70 हो गया, काट देंगे यहाँ से 35 बार में, 2 का पहाड़ा में 35 बार में ये कट जाएगा। 15 और 35 को गुणा कीजिए, वही हमारा यहाँ पे उत्तर होगा, 15 और 35, 15 5 75, 15 3 45, तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा 525, ठीक है। तो इसके प्रथम 15 पदों का कुल योग होगा 525, एपी हमारी ज्ञात होगी 7 11 15। यहाँ पे आप लोग ए एन निकाल करके छोटे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यानी जो इसका 15 पद दे रखा है तो A15 निकाल लो पहले, उसका छोटा फॉर्मूला लगा दो N/2 A+AN, उससे भी कर सकते हो, ठीक। तो इसका जो पार्ट 2 दे रखा है, इसी प्रश्न का 10वां प्रश्न का पार्ट 2 दे रखा है कि An=9-5N, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नोट कीजिए, An=9-5N, 9-5N, सारी चीज़ इसी प्रकार रहेगी। अब हमें इसे यहाँ पे चेंज करना होगा बस। एकम 5, 9 में से 5 घटाएगा तो कितना बचेगा, 4। प्रथम पद ज्ञात हो गया 4। दूसरा पद के लिए हम लोग करते हैं 9-5, 5 यानी लिखिए सॉरी, 9-5×10 कितना हो गया, अब देखिए 9-10 -1, ठीक है, दोनों में से बड़ा 10, 10 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए 10 में से 9 घटाएंगे तो -1। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए करेंगे 9-5 और एन की जगह में लेंगे 3, तो 5 3 15 घटाइए, यहाँ पे कितना आएगा -6, ठीक है। तो A1 जो हमारा ज्ञात हुआ वो होगा 4, A2 हमारा ज्ञात हुआ -1, A3 ज्ञात हुआ -6। तो क्या यह एक एपी है, चेक करते हैं कि क्या यह एक एपी है। एपी होने के लिए क्या होगा, एपी होने के लिए इसका सार अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ से करेंगे A2-A1 वो बराबर होना चाहिए A3-A2 के, A2 दे रखा है -1 और यहाँ पे -4, यहाँ पे -1, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस लिखिए। A1 दे रखा है 4, A3-6 और A2 है -1। देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, होगा ना, तो यहाँ पे सीधा प्लस लिख दीजिए, +1। अब इसे करते हैं माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, चिन्ह होगा माइनस का, 6 में से 1 गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ, 6 में से 1 गया तो -5,
दोनों में से बड़ा छः है, छः के आगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे डी का मान आ गया माइनस का 5। यह एक एपी है, एपी है तो इसका प्रथम 15 पदों का योग कर देंगे। 15 पदों का योग करने के लिए एन 15/2 ही होगा, 2a, a का मान यहाँ पे कितना है 4, तो 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 2 और a का मान यहाँ से करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, प्लस n लिखेंगे यहाँ पे 15 और 15 में से घटाइए तो 14, और d कितना है माइनस का 5, तो माइनस 5 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे 8 कहाँ से लिख दिए। 8 हमने यहाँ पे लिखा कि 2 हमारा सूत्र में था और जो a का मान आया था वो यहाँ पे 4 है, 4 को सीधा 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। n का मान हमें दे रखा था प्रश्न में कि प्रथम 15 पदों का योग, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आएगा। बाकी यहाँ पे d दे रखा था हमारा माइनस 5, तो माइनस 5 का माइनस 5 हमने लिख दिया वहाँ से क्लियर। 15/2 का 15/2 लिख दीजिए, गुने 8 प्लस 14 × 5 = 70, तो माइनस का 70 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5 है। ठीक है, अब इसे करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे 8 माइनस 70 होगा, 15/2, 8 माइनस 70, 70 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से, 15/2 गुने 62। ठीक है, काट लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 15 और 31 को गुना कीजिए बताइए क्या होगा। 15 और 31 को गुना करेंगे, चार सौ पैंसठ इसका उत्तर है। उत्तर माला में आप लोग देखिए कि क्या उसका उत्तर 465 है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, माइनस का 465 होगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा था 70, 70 के आगे था माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो 7 यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस का 465 होगा। ठीक है, अब तो क्लियर है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11, तो प्रश्न संख्या 11 दे रखा है कि किसी यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n − n² है, तो इसमें इतना तक हमें समझ में आया कि प्रथम एन पदों का योग, जहां भी योग आ जाए तो योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। योग का फॉर्मूला होता है SN = यही होता है SN, और यह हमें दे रखा है कि 4 − n² है, तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को नोट कर लिया। ठीक है, 4n है, 4n − n² 4n − n² हमें यह प्रश्न में दे रखा है इतना तक, तो पहली पंक्ति से हमें यह प्राप्त हो गया। आगे दे रखा है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद को हम लोग कर सकते हैं S1, ये क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो यानी कि S2 क्या है, ठीक है, और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी कि A क्या है। ठीक है, इतना हमें पूछ रखा है प्रश्न में ही, और हमें दे रखा है किसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे पद, दसवें पद, पहला पद आ जाएगा तो उसमें हम लोग तीसरे दसवें पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है बच्चा, कि S1 और किसी एपी का जो S1 वो बराबर होता है उसके प्रथम पद के। ठीक है, S1 क्या होता है कि इसके प्रथम पद का योग कितना होगा, कोई एपी दे रखी है 7, 3, इसी प्रकार कोई एपी है तो इसके प्रथम पदों का योग क्या होगा। S1 का योग तो ऐसे यहाँ पे 7 ही होगा। ठीक है, 7 एक ही पद, तो यहाँ पे S1 को आप लोग A भी कह सकते हो, तो S1 निकालना है या फिर कह सकते हो कि इसका प्रथम पद ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्रथम पद यानी कि n = 1 हो गया।
ठीक है, n बराबर एक हो गया। हमने देखा था प्रथम पद के लिए n एक होगा, दूसरे पद के लिए n दो होगा, तो यहाँ पे n का मान एक रख देना है। तो एस वन बराबर यहाँ से करिए 4, n की जगह हम एक रखेंगे, तो 4 एकम 4 कर लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1 3, तो प्रथम पद आ गया 3 आसानी से। दूसरा पद करते हैं, दो पदों का योग क्या है, तो दो पदों के लिए n का मान अब ले लेना है 2, तो यहाँ पे 4 n की जगह में रखेंगे 2 माइनस 2 का वर्ग। यहाँ से हमने कर रहे हैं 4 की जगह में 4 n की जगह में 2 रख रहे हैं, -n² यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 -2 दूनी 4, इसे हल करेंगे तो आएगा 8 में से 4 का जगह तो 4, तो दो पदों का योग आया 4। ठीक है, अब आगे कह रखा है कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद होता क्या है, दूसरा पद जो होता है यहाँ पे S2 माइनस S1 करेंगे, S2 यानी इसके दूसरे, यहाँ पे S2 में S1 घटा देंगे तो इसका दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। S2 कितना है 4, इसमें 3 घटा दीजिए, 4 में से 3 गया तो 1, यानी इसका दूसरा पद आ गया है 1। ठीक है, पहला पद यहाँ, दूसरा पद यहाँ से आ गया है 1, क्लियर। अब हमें करना है इसके तीसरा पद ज्ञात, तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, A3 बराबर, अब हम लोग करेंगे S3 माइनस S2। ठीक है, S3 यानी कि n के जगह में 3 रखना है, यहाँ पे Sn दे रखा है, 4n माइनस n² हम लोग S3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अब n के जगह में हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 3 का वर्ग माइनस S2, तो हमें ज्ञात है यहाँ से 4 4 करेंगे, 4 3 12 माइनस 3 3 12 माइनस 9, ये 1 7 है, -4, अब 12 में से 9 घटाइएगा तो बचेगा 3 माइनस 4 बराबर -1, तो इसका जो तीसरा पद है वो हुआ -1। इसी प्रकार हम लोग इसका 10वां पद ज्ञात करेंगे, तो A10 कितना हो जाएगा, A10 हमारा हो जाएगा, देखिए जब A2 ज्ञात करना था तो हम S2 में S1 माइनस कर रहे थे, A3 ज्ञात करना था तो S3 में S2 माइनस कर रहे थे, तो A10 ज्ञात करना है तो S10 में S9 को माइनस कर देंगे। S10 क्या है, यानी n की जगह में हमें 10 लिखना है, तो Sn का यहाँ पे दे रखा है 4n माइनस n², तो यहाँ लिखेंगे 4, n की जगह में 10 रखेंगे, 10 माइनस 10 का वर्ग, माइनस इसे एक ब्रैकेट में कीजिए इधर, -S9, फिर से यहाँ पे लिखेंगे n का मान, रख लो n का मान हम लोग रखेंगे 9, अब के हम लोग 9 का मान का, तो यहाँ से रखते हैं 4 9 -9 का वर्ग, 4 दहें 40 -10 दहें 100। ये प्रश्न ही इसी प्रकार है बच्चा, इसलिए इस प्रकार, यानी कि मैं इसमें और इसे शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, यदि होता है कि यह पिछले प्रश्न की तरह हम लोग इसे दूसरे मेथड से भी कर सकता था तो कर देता, लेकिन यह प्रश्न इसी प्रकार करना होगा, एक बार समझ लीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं समझा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए, तो 4 9 36 -9 9 81, यहाँ पे आएगा -60 -45। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -60 और -45, हल कीजिए इसे तो आएगा हमारा 60 में से 45 गया तो -15, तो यहाँ से हमें आठवां पद आया है वो हुआ है -15। अब एक और चीज़ हमें निकालना है, वो है कि इस और इसके nवें पद क्या कीजिए, अब nवां पद यानी जो n की जगह हमें n ही रखना है, तो an लिखेंगे an, अब हमें यहाँ पे पद रहता है जैसे कि A2 ज्ञात रहता है तो हम A2 में S1 घटा देते, लेकिन हमें An दे रखा है, Sn माइनस, यानी इस यहाँ पे जो कोई पद होगा उससे एक पद कम ही होगा। ठीक है, तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, अब Sn का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, 4n² 4n माइनस n² इसे लिख देंगे,
चार एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। अब चार माइनस एन का स्क्वायर तो क्या होगा, चार एन माइनस एन स्क्वायर, ऐसे ही लिख दीजिए और इसे ही कहिएगा चार को एन से इतने पे। अब चार को एक से करेंगे तो चार माइनस स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस दो एन, यहाँ से हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस दो एन प्लस पाँच, क्या आएगा माइनस का दो एन प्लस पाँच यहाँ पे, तो इसका एन में पद होगा माइनस का दो एन प्लस का पाँच, क्लियर। इसके आगे यदि समझना है थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे कैसे करेंगे तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा इसके लिए, कि यहाँ पे जिसमें प्रश्न संख्या 11 रहेगा उसे मैं अच्छे से समझा देगा, क्योंकि प्रश्नावली 5.3 का बोलेंगे सबसे हार्डेस्ट प्रश्न, जो सबसे हार्ड प्रश्न है यही है, ठीक है, बाकी सारे प्रश्न इजी है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे ना सभी इजी होंगे, इतने इजी कि आप लोग आँख मूंद के भी कर सकते हो। देखिए प्रश्न संख्या 12 दे रखा है आप ही के सामने कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जीव से विभाज्य। हलवा प्रश्न है, कर लोगे तो यह प्रश्न थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, तो यही प्रश्न है पूरे प्रश्नवली में। हटाते हैं इसे, इसे नोट कर लो, बाकी इसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो यह भी समझ में आ जाएगा। संख्या 12 हमें क्या चेक करना है कि जो 6 से विभाजित है और प्रथम 40 धन पूर्णांक है, तो प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी पद हमें दे रखे 40 है, तो n बराबर हो जाएगा 40। देखिए कितना आसान से कर लेंगे, अब 6 से विभाजित है यानी पहला पद 6 होगा, 12 18 6 12 18 24, इसी प्रकार 40 पदों का कुल हमें योग ज्ञात करना है, यही है, ठीक है। प्रथम 40 योग ज्ञात कीजिए तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6, डी कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, ए भी 6 डी भी 6, प्रथम पद भी 6 सार्वांतर भी 6। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान कितना है 40, 40 बटे दो, 40 बटे दो दो ए, ए का मान कितना है 6 और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस एन का मान कितना है 40, 40 में से घटाइए तो 39, डी डी का मान कितना आया है हमारे 6, तो 39 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिए 20 दूने 40 दो, यहाँ पे हो गया 20, 12 प्लस 6 निम 54 के 4 हाथ में 5, 6 दिया 18, 18 और 5 23, 234 जोड़िए से 20 गुने 234 और 12 यानी 246 गुना करिए, 246 की 2 से गुना कीजिए उसमें एक शून्य लगा दीजिए, कितना इजी प्रश्न है, ठीक है। तो सारे प्रश्न इजी भी नहीं होते, सारे प्रश्न हार्ड नहीं होते, कुछ एक प्रश्न, मैं तो कहता हूँ कि पूरे अध्याय का एक ही प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 11 है, वही सबसे हार्ड है। और आगे आप सभी जाओगे, आगे 12th में जाओगे यदि आप लोग इंटर जो साइंस से करोगे तो उसमें आप सभी ये प्रश्न आसान लगेंगे, क्योंकि उस समय दिमाग भी थोड़ा बड़ा होगा, तो उस प्रश्न को रिवाइज करना, उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसे गुना कीजिए, पता है क्या है, 6 दूनी 12 के दो हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 6 दूनी 12 के दो हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो 4 दोनों और लास्ट में शून्य लगा देंगे, तो उत्तरमाला में चेक कीजिए कि क्या 4920 इसका उत्तर सत्य है, हो सकता है मेरे साथ भी गलती हो सकती है, ठीक है, तो चेक कीजिए 4920 सही है। बढ़ते अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 हो गया, प्रश्न संख्या 13 में, प्रश्न संख्या 13 क्या क्या रखा है उसे भी हल्प करते हैं। रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, 8 के प्रथम 15 गुणज, प्रथम पद क्या होगा, 8 के प्रथम 15, समझाते हैं इसे, दे रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का, यानी पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या क्या हो, 8 का गुणज, यानी जो 8 का पहाड़ा बोल सकते हो कि 8 का 8, 8 दुनी 16 होता है ना, तो 8 दुनी 80 हुआ, उसके बाद फिर 5 और जोड़ दो तो 8 प्रति 40, यानी प्रथम पद में 8 है, दूसरे पद में 16 है, तीसरे पद में 24, इसी तरह करते करते याद चला,
गया है 15/8। 15/8 कितना होता है, 120 होता है। तो 120 तक गया है, ठीक है, कि 8 का 15 गुणजों का योग, यानी 8 का 8, 8 दुनी 16, 8 3 24, 8 2 32, इसी प्रकार करते करते 15 तक चले जाओ, यानी 8 की 15 से गुना कर देंगे तो 120 आएगा। यदि इन सभी को जोड़ें तो योग कितना होगा बताइए। तो हमें प्रथम पद ज्ञात है, 8 8 है, अंतिम पद ज्ञात है 120 होगा। तो हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं, उससे भी हमारा उत्तर आ जाएगा। इसे आप लॉन्ग फॉर्मूला भी हमें दे रखा है कि इसके प्रथम 15 पद है, तो n बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। n का मान हमारा हो गया 15। अब छोटा फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर a+an/2 a+an, ठीक है। n हमें दे रखा है 15, तो 15/2, ए दे रखा है 8, तो 8+an दे रखा है 120, तो 120, 120 और 8 128, तो 15/2 × 128 काट दीजिए, तो 6 12 2 6 8, 64, 64 और 15 को गुना करेंगे, 15 6 60, 15 6 90, 960। बताइए उत्तर कितना आएगा, 960, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का कुल योग होगा 960, ठीक है। आप लोग एक और तरीके से कर सकते हो कि आप लोग छोड़ इसमें लॉन्ग फॉर्मूला निकाल लो, एकदम आराम से समझो, उसमें भी कर सकते हो, उसे मैं आप लोग कर देता हूँ होमवर्क। तो ये सब प्रश्न संख्या 13, अरे तू 13 लिखा हो ना, 13 था, ठीक। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 दे रखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, कक्षा तीसरी चौथी में आपने पढ़ा होगा। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़ा से आती हो, जो 2 से विभाज होती हो, और विषम संख्या जो 2 से विभाज नहीं होती हो। बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, 1 2 का पहाड़ा नहीं आती है, 1 होती है छोटी विषम संख्या, ठीक है। और दे रखा है कि 1 0 और 50, यानी 1 होगा प्रथम पद और 50 से कम 49 हो जाएगा। तो प्रथम पद भी आते हैं 1, अंतिम पद भी आते हैं 49, उसे हम लोग कर लेंगे शॉर्ट फॉर्मूले से। देखिए प्रश्न संख्या 14, 0 1 3 5 7, इसी होगा ना, ठीक है, 49 तक जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, 0 0 नहीं होगा, ठीक ना, 1 से होगा, तो 1 हो जाएगा, ए एन हो जाएगा हमारा 49। लेकिन हम लोग यहाँ पे ए एन का सूत्र नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें यह तो नहीं पता है कि 49 तक कुल कितने पद होंगे, ठीक है। उसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, होता है a+n-1 × d, और यह दे रखा है कि 49 के बराबर है। a का मान है यहाँ 1, d का मान यहाँ से कर लेंगे, d = 3 में से 1 गया तो 2, तो 1+n-1, d का मान 2 = 49, 1 इधर है प्लस का इधर जाएगा तो होगा माइनस का, तो n-1 × 2, 49 - 1, 49 - 1, ठीक है। तो अब इधर n-1 × 2 = 48, 2 को इधर लेके जाएंगे तो n-1 = 48/2, काटिए 2 2 4 2 6 8, तो n-24 आया। तो n का मान कितना आएगा, n का मान आएगा 24 और 1 25, ठीक है। अब ये मत पूछना कि 1 कहाँ से आया, अब ये मत पूछिएगा कि 1 कैसे जोड़ रहे हैं, यह माइनस का 1 था इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हमें एन भी पता है, ए एन भी पता है, ए भी पता है, तो एस एन कर देते हैं, n/2 a+an, एन कितना है 25 है, तो 25/2, ए कितना है 1 है, ए एन कितना है 49, 1 और 49 कितना हो गया 50, तो यहाँ सीधा लिखिए 50, काट दीजिए 25 25 25, 625, तो इसका उत्तर होगा 625।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रश्न तो प्रश्नों की श्रृंखला यानी प्रश्नों के सीरीज को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 15 से 20 तक हो गया, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी काफ़ी वे भी प्रश्न हैं, काफ़ी सरल है, उन्हें भी मैं काफ़ी सरल तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए कितने सरल तरीके से कर रहे हैं हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी प्रकार की सूचना, सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप लोग आसानी तरीके से समझ सको। धन्यवाद। हम लोग करते हैं प्रश्न के 15 अगले वीडियो में।